Investments in the securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. ले रहे होंगे बट मैं यहाँ पे कोई इसको सपोर्ट नहीं मानता, मैं नीचे लेवल का वेट करूंगा। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज इस वीडियो पे हम लोग जो है एनालिसिस करने वाले हैं HDFC बैंक के ऊपर में। तो अगर आपको पता होगा कि आज जो है HDFC बैंक जो है करीबन शायद तक 4% का हमें डाउन देखने को मिला। बट देखिए यहाँ पे काफी लोग पैनिक हो रहे हैं कि यहाँ पे HDFC में क्या होगा, बंद हो जाएगा कि क्या हो जाएगा और कितना फॉल देखने को मिलेगा। देखिए ये 4% ना बिल्कुल एक्सपेक्टेड था, और मैं 4% 5% या फिर इतने परसेंट भी डाउन हो जाता है ना तो मैं यहाँ पे पैनिक नहीं करता, क्योंकि मैंने मार्केट देखा हुआ है, अलग अलग स्टॉक्स के मूव मैंने देखा हुआ है। आपने देखा होगा कि हाल फिलहाल में मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किया था महिंद्रा एंड महिंद्रा, जिसमें कि आपको 6% का भी मूव आपको ईजिली देखने को मिला है। और देखिए जब स्टॉक कोई गिरता है ना तो वो उसका फॉल जो होता है कुछ ज़्यादा ही होता है। अगर हम उसके अपमूव की बात करें तो अपमूव में उतना थोड़ा सा टाइम लगता है, हायर हाई को ब्रेक करते हुए प्राइस ऊपर जाता है। जब स्टॉक गिरता है ना तो अच्छा खासा जो है 3%, 4% या 5% में गिरने को मिलता है, बट वो इम्पॉर्टेंट नहीं है। अगर मैं आपको डायरेक्टली चार्ट पे लेके चलूँ, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो ये धन का ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है, तो यहाँ पे आपको मैं एक कुछ चीज़ें बता देना चाहता हूँ। यहाँ पे आप मल्टीपल टाइम फ्रेम जो भी यहाँ पे देख सकते हो, बहुत सारे टाइम फ्रेम आपको मिल जाता है। हाल फिलहाल 5 सेकेंड, 15 सेकेंड और 30 सेकेंड भी जो है यहाँ पे अवेलेबल कर दिया गया है। और साथ ही साथ इंडिकेटर वगैरह आप जितना चाहे इसमें डाल सकते हो। और अगर आप इसमें मल्टीपल चार्ट लगाना चाहते हो, मैक्सिमम 8 चार्ट लग सकते हैं, आप यहाँ पे देख सकते हो। बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, यहाँ पे अकाउंट ओपनिंग का कोई चार्जेस नहीं ले रहे हैं। अगर आप हमारे लिंक से अकाउंट ओपन करते हो तो आपको हम जो है अपने प्रीमियम ग्रुप में ऐड कर लेंगे। आप चाहें तो डायरेक्टली धन ब्रोकर के पास भी अकाउंट ओपन कर सकते हैं। तो अब यहाँ पे बात करते हैं ये जो HDFC बैंक है। HDFC बैंक में देखिए मैं आपको सबसे पहले जो है चीज़ें दिखाता हूँ कि कैसे यहाँ पे पता चला कि यहाँ पे फॉल है या फिर कुछ और है। अगर आप यहाँ पे देखे हो कि यहाँ पे देखिए इस लेवल से, देखिए ये जो लेवल है ये एक हम लोग का रेजिस्टेंस लेवल है, ठीक है। अब जब प्राइस देखिए यहाँ से जो प्राइस आ रहा है, यहाँ से जो प्राइस आ रहा है नीचे की ओर, जब यहाँ पे पहली बार इसको टच करेगा तो फिर यहाँ से तो एक डाउन मूव आया, बट ये कितना तक आएगा ये हम लोग को आज देखने को मिला कि ये जो है हम लोग को यहाँ सपोर्ट तक देखने को मिला। बट अगर आप देखोगे कि यहाँ पे जैसे कि आप हमेशा सपोर्ट रेजिस्टेंस की बात करते हो, तो क्या हम लोग यहाँ पे सपोर्ट या रेजिस्टेंस जो हम लोग बनाते हैं तो क्या मेरा ये सपोर्ट होगा? देखिए मैं कोई ये स्ट्रांग सपोर्ट नहीं मानता हूँ। अगर आप यहाँ पे भी देखो, देखिए प्राइस यहाँ से प्राइस नीचे आया, इसको हिट किया, ठीक है। हिट करने के बाद जो इसका लो है इसको ब्रेक किया, मतलब कहीं ना कहीं इस रेजिस्टेंस का अच्छा खासा हमें यहाँ पे पावर देखने को मिल रहा है। जो हमें प्राइस एक्शन आपको सिखाने का कोशिश कर रहा हूँ उसको सीखिए। अब अगर आप देखो प्राइस यहीं से ही जा रहा है, इसका मतलब बस हमें ये देखने को मिला है कि ये जो साइडवेज है जो भी फाइनली रिजल्ट निकल के ये ऊपर आया, बट ये जो मूवमेंट है उतना मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, उतना स्ट्रांग नहीं लग रहा है। क्योंकि ये जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, इसने जो एक लो लगाया फिर इसको जो है यहाँ पे हिट किया, इस रेजिस्टेंस का पावर बहुत ज़्यादा था, इसी वजह से इसका जो लो है वो ब्रेक कर दिया। मतलब कहीं ना कहीं हम लोग का यहाँ पे रेजिस्टेंस काफ़ी स्ट्रांग है। अब जब पहली बार यहाँ पे आ रहा है तो यहाँ पे हिट करेगा तो यहाँ पे डाउन तो आना ही था। अब यहाँ से तो ऐसे तो प्राइस ऊपर नहीं जाएगा ना, तो यहाँ से देखिए ये गैप डाउन हुआ, उसके बाद यहाँ पे प्राइस इसको नीचे लेके गया। अब जब मुझे इसका इम्पोर्टेंस उतना खास लग नहीं रहा है, मैं कम्प्लीटली अभी इस लेवल को इग्नोर करूँगा। कई लोग इसको एक सपोर्ट की तरह भी ले रहे होंगे बट मैं यहाँ पे कोई इसको सपोर्ट नहीं मानता, मैं नीचे लेवल का वेट करूँगा। तो यहाँ पे अगर आप ट्रेड करने का कुछ भी प्लान कर रहे हो कि यहाँ पे नहीं मैं सपोर्ट है मैं यहाँ पे बाय करूँगा, तो देखिए ये आपका कॉल है, ये आपका रिस्क है। आप इसमें किस तरीके का रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो करते हो उसके हिसाब से डिपेंड करता है। बट अगर मैं अपनी व्यू शेयर करूँ आप लोगों के साथ तो मुझे ये लेवल अच्छा नहीं लग रहा है। हो सकता है कि कल को प्राइस का जो रिकवरी है हमें इसी लेवल से ही प्राइस ऊपर जाते हुए देखने को मिले, ठीक है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ हम लोग को यहाँ पे ये प्राइस देखने को मिल सकता है, बट मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हम लोग यहाँ पे ट्रेड करेंगे या फिर अगर ये स्टॉप लॉस होता है तो नीचे लेवल ट्रेड करेंगे। मेरा एनालिसिस ये कहता है कि मेरे को ये लेवल उतना स्ट्रांग नहीं लग रहा है। तो इसके हिसाब से अगर मैं देखूं कि प्राइस अगर अभी यहाँ पे करेंट मार्केट प्राइस अभी है, भले ही यहाँ पे हो, कल को यहाँ से एक अच्छा खासा मूव आ जाए तो मैं यहाँ पे रिग्रेट फेल नहीं करूँगा क्यों नहीं लिया, फिर जो भी हो रीज़न,
तो मैं यहाँ पे रिग्रेट नहीं करूँगा। हाँ, अगर अच्छा होता है कि कल मान लो कि परसों हो गया या फिर नेक्स्ट वीक हो गया, हो सकता है हमें यहाँ पे थोड़ा सा साइडवेज देखने को मिल जाए और प्राइस डाउन आ जाए, हो सकता है प्राइस यहाँ से साइडवेज करे अप आ जाए। बट अगर आप एक पर्टिकुलर व्यू रखोगे कि यहाँ पे मुझे बाय करना है या बाय नहीं करना है, ये डिसीज़न आपको लेना है। अगर आपको लगता है कि यहाँ से ये मूव जो आया है स्ट्रांग है तो मैं यहाँ पे बाय करूँगा, अगर आपको यहाँ पे लगता है कि ये जो है मुझे कहीं ना कहीं थोड़ा सा वीक लग रहा है, ये सपोर्ट उतना स्ट्रांग नहीं है, तो हो सकता है कि ये प्राइस भी नीचे आ जाए। फिर से आपको मैं कह देता हूँ कि ये लेवल मुझे उतना स्ट्रांग नहीं लग रहा है, हो सकता है प्राइस यहाँ से अप जाए। मैं बिल्कुल भी रिग्रेट फील नहीं करूँगा कि हाँ मेरा एंट्री छूट गया। मैं तो उल्टा, अगर आप मेरा मानो कि मैं क्या चाह रहा हूँ कि यहाँ पे मार्केट के HDFC जो प्राइस एक्शन है वो किस तरह का बिहेव करना चाहता है, तो देखिए अगर आप मेरा बात मानो या फिर यहाँ पे समझो कि देखो ये जो लेवल है हो सकता है कि ये लेवल ब्रेक कर दे, ठीक है, मैं चाहता हूँ ये ब्रेक कर दे। अगर ये ब्रेक करता है ना तो अगर आप नीचे देखोगे और भी इसका बहुत ही अच्छा लेवल है, आप अगर आप देखोगे जो कि मुझे ये लेवल पे एक अच्छा लेवल मिल रहा है। देखिए आपको मैं क्यों कह रहा हूँ देखिए इसको ब्रेक करने का, देखिए ये जो है यहाँ पे टेस्ट किया, ये देखिए प्राइस यहाँ से अप चला गया, अब प्राइस यहाँ पे टेस्ट किया अप चला गया, अब प्राइस अभी फिर से यहाँ पे जा रहा है। तो अगर आप थोड़ा सा पिक्चर को देखो ध्यान से कि चल क्या रहा है, अब यहाँ पे देखो चीज़ें हो क्या रही है। देखिए प्राइस यहाँ तो हाई लगाया है, ठीक है, प्राइस यहाँ पे डाउन आया फिर अप गया, तो मेरा यहाँ पे क्या था, एक रेजिस्टेंस था कि प्राइस अगर इसको ब्रेक करेगा तो हम लोग इसको बुलिश मान के चलेंगे, लेकिन प्राइस क्या किया, अब इसका ये सपोर्ट है देख लीजिए, ठीक है सपोर्ट है, अब इसने क्या किया इसको ब्रेक किया, बट टाइम लगा ब्रेक होने के लिए, थोड़ा सा एक स्विंग लिया ऊपर, फाइनली इस लेवल को ब्रेक कर दिया, मतलब कि ये जो सपोर्ट था ये हम लोग का ब्रेक हो चुका है। आप अगर आप मैं यहाँ पे दिखाता हूँ, ये देखिए ये सपोर्ट था ये यहाँ पे ये ब्रेक हो गया। अब जो यहाँ पे नेक्स्ट हम लोग का सपोर्ट था, यहाँ पे आप देख सकते हो ये जो सपोर्ट है, ये प्राइस नीचे आया, इसमें थोड़ा सा ये आप देखिए थोड़ा सा रिकवरी हमें देखने को मिला, ग्रीन कैंडल का आप यहाँ पे देखोगे थोड़ा सा हमें रिकवरी देखने को मिला था यहाँ से यहाँ, बट ये भी सस्टेन नहीं कर पाया, ये भी ब्रेक हो गया, उसके बाद फाइनली देखिए ये सपोर्ट भी ख़त्म। तो अगर आप सोच रहे हो कि ये मेरा एक सपोर्ट है मैं यहाँ पे बाय करूँगा, कि मार्केट का हो सकता है यहाँ से भी रिकवरी देखने को मिले, बट मैं यहाँ पे इंटरेस्टेड नहीं हूँ बाय करने के लिए, क्योंकि आप यहाँ पे देखो यहाँ पे ये सपोर्ट ब्रेक कर दिया, यहाँ पे ये सपोर्ट ब्रेक कर दिया, तो क्या गारंटी है कि ये सपोर्ट चलेगा। तो अगर हम लोग वेट करें थोड़ा सा पीछे हम लोग चले कि यहाँ पे चल क्या रहा है, अगर हम लोग थोड़ा सा पीछे जाएं तो अगर आप यहाँ पे देखोगे कि यहाँ पे हो क्या रहा है, यहाँ पे देखिए सपोर्ट था, ये सपोर्ट था, प्राइस ऊपर गया, ये भी सपोर्ट था, ठीक है, लेकिन इसका सपोर्ट क्या है, इसका सपोर्ट ये था, यहाँ से प्राइस ऊपर गया, इसका सपोर्ट क्या था, यहाँ था, तो यहाँ पे ये भी सपोर्ट है, यहाँ भी सपोर्ट है, ये भी सपोर्ट है, तो मैक्सिमम टाइम जो है सब जगह टेस्टेड मुझे लग रहा है। बस ये एक लेवल है जो कि ये लेवल मैं तो चाहता हूँ ये लेवल ब्रेक हो जाए, ठीक है, ये मेरा जो है खुद का पर्सनल व्यू है। तो एक अच्छा लेवल अगर मैं वेट करूँगा तो करीबन मेरे को ये लेवल एक अच्छा मिल रहा है कि यहाँ पे अगर प्राइस आता है तो मैं यहाँ से इंटरेस्टेड रहूँगा बाय करने के लिए। अगेन मैं यहाँ पे कोई रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ, ये बस मैं अपना पर्सनल व्यू आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, प्राइस एक्शन सिखाने का आपको कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे एक अच्छा लेवल ये लग रहा है कि प्राइस अगर यहाँ से ही डाउन आता है तो मैं यहाँ से इसको ट्रेड प्लान करने का सोचूंगा। और आखिर में मैं आपको एक स्टॉक का नाम देना चाहता हूँ, इसको आपको वॉच लिस्ट में ज़रूर रखना है, स्टॉक का नाम है अपोलो टायर्स। अपोलो टायर्स में मुझे बहुत ही अच्छा देखने को मिल रहा है अपॉर्चुनिटी, और यहाँ पे मुझे देखिए आज मार्केट एकदम डाउन था, बट फिर भी यहाँ पे थोड़ा सा इसने क्या करने का कोशिश किया, देखिए प्राइस यहाँ पे क्लोजिंग हुआ था, यहाँ पे गैप डाउन ओपन किया और अपने बाइंग देखने को मिला है। तो अभी अगर इसका एनालिसिस देखिए मैं शॉर्ट में बता रहा हूँ, ठीक है, तो यहाँ पे देखिए अभी नेक्स्ट इसका प्राइस एक्शन हो सकता है कि देखिए कल को यहाँ पे एक अच्छा मूव आ जाए, ठीक है, तो हमें यहाँ पे एंट्री प्लान नहीं करना है, हमें वेट करना है कि और थोड़ा सा मैं इसमें चाहता हूँ कि और थोड़ा सा कुछ इस तरीके का साइडवेज हो जाए, बट अभी करेंट मार्केट प्राइस पे मैं इसको प्लान नहीं करूँगा। तो आप इसको वॉच लिस्ट पे ज़रूर रखना, ठीक है, जिसका करेंट मार्केट प्राइस अभी चल रहा है 378 के आसपास शायद तक, तो इसको आप वॉच लिस्ट में रख सकते हो, तो ये मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है।
आने वाले टाइम पे मुझे इसमें एक अच्छा मूव देखने को मिल रहा है, बट एग्जैक्ट लेवल मैं आपके साथ शेयर नहीं कर सकता अकॉर्डिंग टू सेबी के गाइडलाइंस। इसके लिए अगर आप लेवल चाहते हो तो आप हमारे ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो, मैं उसमें ऑब्जर्वेशन के पर्पज़ से आपके साथ मैं शेयर करता हूँ। पेपर ट्रेड करने के लिए भी कहता हूँ अपने मेम्बर्स को कि आप देखो कि वहाँ से लेवल क्यों चला। बाकी देखिए, जिन्होंने भी हमारे अंडर डीमैट अकाउंट ओपन किया है तो उनको मैं एक चीज़ कहूँगा, वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ पे फॉर्म फिलअप कर ले, उसके बाद हमें कॉन्टैक्ट करें, हम आपके मेल आईडी पे सारी डिटेल्स भेज देंगे। क्योंकि हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि काफ़ी लोगों ने अकाउंट ओपन किया है बट हमें कॉन्टैक्ट नहीं कर पा रहे किसी रीज़न की वजह से। आप हमें व्हाट्सअप के थ्रू में भी कॉन्टैक्ट कर सकते हो। अगर आपने अभी तक ट्विटर पर फॉलो नहीं किया कर लीजिएगा, क्योंकि हम लोग वहाँ पर चार्ट पोस्ट करते हैं, क्योंकि हर स्टॉक का जो प्राइज एक्शन होता है उसको डिस्कस कर पाना इम्पॉसिबल है हर एक एक वीडियो बनाना, तो हम लोग उसमें सिर्फ आपको पोस्ट कर देते हैं ट्विटर पे, आप वहाँ पे भी चार्ट देख सकते हो। और जो हमारा टेलीग्राम चैनल है ऑफिशियल लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा, आप वहाँ से भी जो है ज्वाइन कर सकते हो, हम लोग वहाँ पे स्टॉक के अपडेट देते हैं। और फाइनली अगर आपको कुछ भी कंसल्टेंसी सर्विसेज लेना है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे आपको सारी चीज़ें मिल जाएगा, वहाँ से भी आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हो। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो पे, तब तक के लिए बाय।